हेलो गाइस, मैं पूनम गुलाटी स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्वाद पंजाबियादा। और आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल के लड्डू। इसके लिए लिया है मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी, जिसे हल्का सा हम गरम कर लेंगे। और अब इसमें मैंने डाला है 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, यानी कसा हुआ नारियल। ये नारियल का चूरा भी कहते हैं इसे, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और अब हमने इसे भूनना है इस घी में, इस तरह से। इसे ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो ये जल्दी से जल जाएगा। और मीडियम फ्लेम भी नहीं रखनी, फ्लेम हमको हम लो रखनी है ताकि ये जले ना। इसको जब हम भूनते हैं नारियल को, तो इसका जो अरोमा है वो बहुत निखर के आता है। जैसे ही हम नारियल को भूनते हैं, ये खुशबू देने लगता है एकदम से। और उसी खुशबू से नारियल के लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। ये इसे भून लिया है मैंने अच्छी तरह से, और इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस इसको वाइट, अगर नारियल है तो वाइट ही रहना चाहिए। अगर हम ज़्यादा भूनेंगे तो इसका कलर एकदम से ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए, बस ये भून गया है हमारा अच्छी तरह से, और नारियल के लड्डू हमारे ये बड़ी जल्दी बन जाते हैं। अब मैंने इसमें डाल दी है मिल्क मेड के 2 चम्मच। अगर आपको मीठा थोड़ा अच्छा लगता है ज़्यादा खाना, तो आप इसमें 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लिया है इसमें, 1 कप दूध डाल दिया है इसमें, और इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि ये लम्स ना रहे इसमें। ये जल्दी से घुल जाता है दूध इसमें। अब मैंने आधा कप और डाल दिया है दूध इसमें। बस अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला दूंगी सबको और थोड़ा सा पका दूंगी। ये सारा इसमें अच्छी तरह से मिल जाएगा। अब ये हमारा गाढ़ा हो जाएगा दूध और नारियल मिलकर। इस तरह से इसको अच्छी तरह से हिलाएं, ये उबाल आने लगा है इसमें, ये देखिए। और बस इसे हिलाते रहें और इसे गाढ़ा कर दें। फ्लेम थोड़ी मीडियम कर लें जिससे ये गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये अब गाढ़ा हो चुका है और ये पूरा दूध इसमें सूख जाएगा। खाने में लड्डू बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चे जब दूध नहीं पीते, तो आप कुछ भी दूध में बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। और ये नारियल के लड्डू बहुत इजी बन जाते हैं और बच्चे इसे शौक से खाते हैं। अब ये देखिए, हमारा बिल्कुल सूख गया है दूध और ये गाढ़ा हो गया है। अब ये हमारा लड्डू बनने के लिए तैयार है। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दिया है खुशबू के लिए। 2 या 3 बूंदें डाली है मैंने इसमें, इस तरह। और अब मैंने इसे मिला दिया है। बस अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। इसे मैंने एक थाली में, प्लेट में पलट लिया है थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब ये ठंडा हो चुका है और अब इस तरह से हम इसके लड्डू बना लेंगे। थोड़ा टाइट हाथ से बनाएंगे ताकि ये टूटे नहीं। इस तरह से घुमा ले हाथ को, ये गोल देखो, इस तरह गोल बन गए हैं। गोल लड्डू बनाए, ब्रह्मांड गोल है, पृथ्वी गोल है, सूरज गोल है, चांद गोल है, तो हमारे लड्डू भी गोल हैं। ये बच्चों को बेहद पसंद आते हैं। अब इसको नारियल का बुरादे में थोड़ा सा ऐसे लपेट लें इसके ऊपर, ये सारा इस तरह से नारियल का बुरादा लग जाएगा। ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी। ये देखिए, इस तरह मैंने दूसरा लड्डू भी तैयार करा है। इस तरह देखिए, लड्डू तो खाने ही चाहिए सभी लोगों को। ये देखिए, क्योंकि प्राचीन काल से लड्डू मांगलिक कार्यों में जरूर रखा जाता है, तो कोई भी लड्डू बना के आप इस्तेमाल करें। ये देखिए, इस तरह लपेटें। और इसी तरह मैंने सारे लड्डू बना लिए। ये मेरे 10 लड्डू बने हैं 1 कप से। अब मैं दोबारा मिलती हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।